वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट और लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फर्स्ट वर्ड पे हमें क्यों दिक्कत आ रही है और जो भी इंसान अगर अटक अटक के बोल रहा है वो क्यों अटक के बोल रहा है। सबसे पहले मैं करूँगा बात, अगर आप देखो अगर मैं इस बात को बोलूँ, मेरा नाम साहिल मलिक है और मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। अब इसी बात को एक सेकंड ऑप्शन में लेके चलूँ, मेरा नाम साहिल, फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे दिक्कत आती है ना कि फर्स्ट वर्ड पे। लोग कह रहे हैं कि सर फर्स्ट वर्ड पे दिक्कत आ रही है, वहाँ आप वर्ड पे फोकस नहीं कर रहे, आप फोकस कर रहे हो फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे। और फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर आपसे इजीली बोला जाता है, हो सकता है कि आप कभी कभार फर्स्ट अल्फ़ाबेट आराम से बोल लें, लेकिन फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर बोल लोगे तो आगे का अक्षर बिल्कुल आराम से बोला जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ को आप अजमा के देख लेना। लेकिन वो फर्स्ट अक्षर ही क्यों मुंह में फंस जाता है, वो फर्स्ट अक्षर ही, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही क्यों मेरे होठ चिपक जाते हैं उस पर, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे को इस चीज़ का मौका मिलता है कि मुझे कुछ मुँह से बोलना है तो उस समय मेरा ध्यान, मेरा फोकस कहाँ चला जा रहा है, ये चीज़ को अपने आप को एनालिसिस करो। उस सिचुएशन में जाके खुद को ऑब्जर्व करो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप इस चीज़ के ऊपर आओगे, वाई, वाई का मतलब क्यों ऐसा होता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इसके पीछे देखो रीज़न क्या होता है। जैसे मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, मैं, अब मैं का मतलब क्या होता है कि मेरे होठ फड़फड़ा रहे हैं जिसकी वजह से वो अल्फ़ाबेट या वर्ड सही से नहीं बोला जा रहा। सेकंड रीज़न होता है मेरा जो ब्रीदिंग का लेवल है, सांस का लेवल है, एक लिमिटेड होता है हर इंसान का। अब वो लिमिटेड सांस के लेवल को 80% तो मैंने यूज़ कर दिया मैं बोलने में, जिसकी वजह से मेरे से आगे ना मुझसे रा बोलना गया और ना मुझसे ना बोला गया, ना म बोला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा सारा फ्लो ही बिगड़ गया। जिसकी वजह से हम फिर सोचते हैं कि ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कहीं हटकने तो नहीं लग गया और मैं कहीं हकलाने तो नहीं लग गया। इसको तुम हकलाना भी कह सकते हो, इसको तुम अटकना भी, अब आपकी अपनी नॉलेज के हिसाब से आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से इस चीज़ का मतलब है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी हम क्यों कर रहे हैं, वो मिस्टेक छोटी छोटी हो रही है हमसे, छोटी छोटी मिस्टेक तुम ठीक कर लो, आज से ही तुम ठीक हो। लोग ये बात करते हैं ना कि सर गारंटी क्या है, गारंटी तुम आज से अभी से ठीक बोलना शुरू करो, ये तुम्हारी 100% गारंटी है कि तुम ठीक। और इसमें है क्या, तुम मुझे एक बार ये बताओ, अगर कोई इंसान अटक रहा है 10 साल हो गए उसको अटकते हो, हकलाते हो उसे, अगर 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, उसके अंदर तुम्हारी गलतियां तुमने 8-9 साल में क्या करी जिसकी वजह से आज तुम्हारी सिचुएशन हुई, उसके ऊपर ऑब्जर्व करो। अब होता क्या है, लोग अपने ऊपर ऑब्जर्व नहीं करते, सामने वाले को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लोगों की इंक्वायरीज आती हैं, लोग कहते हैं कि सर आपने कितने लोगों को ठीक किया है, फिर कहते हैं कि सर आप क्या मुझे गारंटी इस चीज़ की मिल सकती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आप एक चीज़ बताइए, आप ठीक होने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं या मेरा एग्ज़ाम लेने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। गुरु के ऊपर उंगली उठाओगे तो गुरु का इंटरेस्ट आपके ऊपर से हट जाएगा, वो आपको उतनी अच्छे तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा, उसके अंदर भी ये शक आ जाएगा, ये बंदे का जो इसका जो माइंड है ना वो नेगेटिव माइंड वाला बंदा है। अब ऐसी कोई इंक्वायरी अगर आती है तो मैं तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अगर फिर भी उसके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो वो नेगेटिव माइंड अपने, जब तक आप नेगेटिविटी दूर नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा और कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोगों के वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, जितने ज़्यादा आपने किसी को अभी तक इसका मतलब फॉलो ही नहीं किया, अगर फॉलो किया या समझने वाले में दिक्कत है या समझाने वाले में भी दिक्कत हो सकती है। अब इस चीज़ को आपने चेक करना है, ऐसा इतने सालों की दिक्कत, इतने लोगों के सेशन लेने के बावजूद ये दिक्कत क्यों फेस हो रही है आपसे,
इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती आपसे हो रही है। वो गलती अकेले में रह के फैमिली मेंबर्स के साथ कभी भी नहीं होती, अकेले वो मिस्टेक होती है पब्लिक स्पीकिंग में। जैसे ही हम लोगों के बीच में जाते हैं, घर बैठा तो हर बंदा शेर ही कहलाता है, जब वो बंदा मार्केट में जाता है तब पता लगता है उसकी दहाड़ में कितना दम है। ठीक है ना, यही चीज़ अटकने हकलाने वाले के ऊपर अप्लाई होती है। घर के ऊपर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इकट्ठे बैठे हो, आपको लगता है लाया भाई मैं ठीक, मैं सही बोल रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी गुड, मेरी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे ही किसी का अननोन का फ़ोन आता है या किसी की इंटरव्यू, आपको अगर इंटरव्यू का अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, लेटर आ गया इंटरव्यू का, आपको पता है मुझे इंटरव्यू में जाना, इंटरव्यू हॉल में जैसे ही मैं जा रहा हूँ वहाँ पता लगता है कितनी इम्प्रूवमेंट तुमने किया बेटा। इम्प्रूवमेंट हमेशा प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंटेशन होती है ना वहाँ पता लगता है। घर बैठे इम्प्रूवमेंट लाना हर किसी को ईजी लगता है, लेकिन जब मैं मार्केट में जा रहा हूँ लोगों के साथ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ वहाँ पता लगता है तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुमने क्या मेहनत की है। वहाँ तुम्हारी हार्ट बीट जो हल्की फुल्की हिलती है वहाँ कैसे फड़फड़ाने लगती है उस चीज़ का पता लगता है। तुम्हारे माइंड में उस समय क्या विचार आ रहे हैं जब मेरे सामने माइक है, कि मुझे अब मैं मेरे माइंड में क्या मैं सोच रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है, जो सोच के आया हूँ वो बोलूँगा या जो बिना सोचे मैं आया हूँ वो बोल दिया। ये छोटी छोटी मिस्टेक आप कर रहे हो, आपको स्पीड के लेवल का ही नहीं पता। लोगों को स्पीड का मतलब एक चीज़ पता है, आवाज़ थोड़ा सा धीरे कर लो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम साहिल मलिक है, इसको तुम स्पीड का मतलब लोग क्या समझते हैं, धीरे कर दो। अब इसका मतलब ऐसे बोलेंगे फिर, मेरा नाम साहिल मलिक है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है बेटा, क्योंकि आप अपना फ्लो बिल्कुल ख़राब कर रहे हो आज भी, और इसका असर बड़े लंबे समय तक रहेगा। फ्लो एक दिन में नहीं बनता, फ्लो बनने में भी कई ज़्यादा समय लगता है। जब आप रेगुलर सही बोलना शुरू करोगे तब जाके फ्लो आपका रेगुलर मेंटेन होगा। ठीक है ना, अब लोग कहते हैं कि सर गारंटी क्या है, गारंटी तुमने अपने आप से क्या ली, तो तुम पहले मुझे वो बताओ। तुम ठीक होना, तुम्हारे जो अंदर मन के अंदर जो एक्चुअल बात है, तुम पहले वो बताओ कि तुम ठीक होना चाहते हो या नहीं। अगर तुम्हारे मन में अपने लिए ही शक है कि मैं पता नहीं होऊंगा या नहीं, तो तुम कभी भी ठीक नहीं होगे। चाहे तुम 1000 सेशन ले लो, अलग अलग इंसानों के ले लो, वो मैटर नहीं करता। जब तक तुमने ही नहीं सोचा कि मुझे ठीक होना है, तुम कभी ठीक हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, और मेरी नॉलेज से हर बंदे को जो सेशन ले रहा है उसको 100% लाइव में ऑनलाइन सेशन में दिखाता भी हूँ, और उसको रिजल्ट रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं। आज की डेट में जो लोग एकदम अटक अटक के मुंह से बोलते थे, हकला के बोलते थे, आज की डेट में उनकी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनकी मैरिजेज हो चुकी हैं और अपनी बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल में भी कई क्लाइंट्स को मैं रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन सेशन दे रहा हूँ। अब इंटरनेशनल में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता कभी भी, या हिंदी में या इंग्लिश में, इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज ही नहीं होती। इंग्लिश में मेरे सेशन चलते हैं वहाँ पे, तो इंग्लिश में जिसको जो चीज़ की दिक्कत है, जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं ऑनलाइन सेशन में, वही चीज़ उनको समझाई जाती है एज़ पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ये नहीं होता इसको जो मैंने बात बताई वो चीज़ उसके लिए भी एप्लीकेबल हो, नहीं। हर बंदे की दिक्कत अलग, हर बंदे का सोल्यूशन भी अलग। तो इसलिए अगर आपको कोई भी अगर माइंड में कन्फ्यूजन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऑनलाइन सेशन, एक सेशन, मैं आपको ये नहीं कहता कितने, एक सेशन लेके देखोगे आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा मेरा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।